वेलकम टू माई चैनल पू ब्लॉग्स एंड हैप्पी संडे। आज इतने दिनों के बाद संडे फंडे लेकर आई हूँ, एक बहुत यूनिक सा रेसिपी लेके आई हूँ आप सबके लिए। सो इस रेसिपी का नाम है जापानीज बॉम्ब फ्राई राइस। ऑब्वियसली वहाँ पे ऐसा इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं जो कि सिर्फ जापान में मिलता है, बट अगर हमको खाने का मन करे तो हम अपने वर्जन में बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए जो हमारे लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी लेकर आई हूँ, सो देट आप भी ट्राई कर सकेंगे घर बैठे बैठे। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर दिस रेसिपी गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग मैरिनेट मिक्स रेडी करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए लहसुन, यहाँ पे मैंने 7 से 8 क्लॉव्स डाले हैं, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद मैं ऐड करने वाली हूँ ये मेयो का पेस्ट, अगर आप चाहे तो दही या तो मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको आप अच्छे से मिक्स करिए और स्लोली पानी ऐड करिए। ये मिक्स बहुत ही ज़्यादा थिक है, हमें इतना थिक नहीं चाहिए क्योंकि हमारा 1 kg चिकन है, तो 1 kg चिकन में पूरा अच्छे से मिक्स हो जाने के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, बट रिमेंबर ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अब जो मैरिनेट मिक्स है वहाँ में हम लोग चिकन के एक एक पीस को अच्छे से कोट कर देंगे। और गाइस क्योंकि चिकन का पीसेस बहुत बड़ा है वहाँ में मैंने कट्स लगाए हैं, तो मेक श्योर कि कट्स के अंदर भी आप मैरिनेट मिक्स को अच्छे से घुसा दें। उसके बाद आप इसको फ्रिज पे 1 आवर से लेके 30 मिनट्स तक रख दें, सो दैट जितना भी फ्लेवर्स था मिक्स का वो चिकन के अंदर चले जाए। गाइस यहाँ पे जो ड्राई चिली है उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद इससे बनेगा हमारे जापानीज बॉम्ब फ्राई राइस का बॉम्ब वाला सॉस। ओके गाइस, सो व्हाइल आई वाज कुकिंग माय रेसिपी बाहर में बहुत सारा नॉइज़ सुनाई दिया, बाद में जाकर देखा, देखिए पूरा फ्लोर में पानी ही पानी है, और पता चला कि ऊपर वाले फ्लोर से ये पानी हमारे फ्लोर में आ रहा है। चलिए आपको ऊपर जाके दिखाते कि चल क्या रहा है। ये देखिए ऊपर वाला फ्लोर तो बिल्कुल चमक रहा है क्योंकि इसके ऊपर पानी है, ये नदी छोटा सा नदी जैसा बन गया है। सो एक्चुअली क्या हुआ कि किसी ने अंदर में पानी छोड़ के खुला छोड़ के चला गया, बट एट दैट टाइम पानी नहीं आ रहा था तो पूरे फ्लोर पे पानी पानी हो गया, और अल्टीमेटली जो ओनर है उनको ताला तोड़ना पड़ा। सुबह से आ रहा होगा, सुबह से आ रहा होगा। हमारा चिली है वो ठंडा हो गया है, और मैंने गार्लिक भी थोड़ा डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं सॉल्ट डालूंगी और थोड़ा सा MSG। तो अभी इसको हम लोग ग्राइंड करते हैं। हाफ ढक्कन सोया सॉस और पानी डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। सो ये है मेरा स्पेशल चटनी, आप लोग इसको बना के खाइए, बहुत ज्यादा स्पाइसी है, एकदम बॉम्ब की तरह है, बॉम्ब बॉम्ब। थोड़ा सा स्वीट एंड सावर टेस्ट चाहिए तो यू कैन ऐड केचप, और ऐसा एक्स्ट्रा घर में बहुत सारा होता है ना, तो इसलिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। वाओ वाओ वाओ, अरे मोमो का याद है, मोमो खाने वालों ये चटनी देख के। तो अब हम लोग चिकन फ्राई करेंगे, तो चिकन फ्राई करने के लिए सबसे पहले उसका जो बाहर का क्रिस्पी वाला क्रस्ट है वो हम लोग बनाएंगे। तो वो बनाने के लिए हमें चाहिए
मैदा, तो जितना चिकन है उस हिसाब से आप ले लीजिए मैदा। हमारा बाबा जी का मसाला, एक चम्मच कॉर्न स्टार्च, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स है तो आप ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। ये है हमारा मैरिनेटेड चिकन। सबसे पहले हम लोग चिकन लेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे मैंने राउंड राउंड कर दिया है, देखिए ये हो गया एक बार, फिर एग में डिप किया, हो गया। अब एक बार फिर से यहाँ पे ये देखिए, अब इसको हम लोग यहाँ पे धीरे से रख देंगे, अदरवाइज पूरा मैदा जो है निकल जाएगा। तो ऐसा एक एक करके सारे पीसेस को करके हम लोग यहाँ पे रखेंगे, फिर फ्राई करेंगे। बहुत सारा ऑयल हमें चाहिए, अदरवाइज चिकन विल स्टिक टू द सरफेस। तो बाहर शाम हो गई है, डे लाइट आना बंद हो गया है, इसलिए मैं अपनी किचन में आ गई हूँ अंदर में, और यहाँ पे लाइट ऑन कर दिया है। अब हम लोग बनाएंगे जो बॉम वाला फ्राइड राइस है। लेफ्ट ओवर राइस, हाफ चम्मच सोया सॉस, ये जो आप देख रहे हैं हमारा डेडली सॉस, ये हम लोग डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा। ये जो चिकन बॉम फ्राई राइस है, इसका स्पेशलिटी है इसका प्लेटिंग में, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको प्लेटिंग कैसा करना है। तो आपको सबसे पहले एक बाउल चाहिए, दो टाइप का बाउल चाहिए सेम साइज़ का, और वहाँ पे जो फ्राई राइस आपने बनाया है उसका एक लेयर बैठा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बाउल को देखो, आपको ऐसा लगाना है कि एक चेयर की तरह लगे, ये एक्चुअली सपोर्ट करने के लिए है, क्योंकि हम लोग इतना सारा फ्राइड चिकन बनाया है, बिग बिग पीसेस, सो उसको सपोर्ट करने के लिए है, और ये देखने के लिए भी बहुत ही एपेटाइजिंग लगता है। सो जितने भी चिकन पीसेस मैंने फ्राई किए थे वो यहाँ पे मैंने स्टैक करके लगा दिया है, और हाँ एक पीस मैंने खा दिया है वाइल्ड टेस्टिंग। उसके बाद क्या करना है, आपने जो स्पाइसी सॉस बनाया था उसको इसके चारों तरफ स्मदर कर देना है, एकदम ढेर सारा सॉस। और गाइस, जो स्पाइसी नहीं खाते ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है, और अगर आप बिना स्पाइसी वाला रेसिपी ट्राई करेंगे तो बेटर है कि ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये तीखेपन के बिना इसमें मज़ा नहीं आएगा। सो
तो ये है हमारा जापानीज इंस्पायर्ड चिकन बॉम फ्राई राइस, रेडी टू ईट। माय गॉड गाइस, ये सच में बहुत अच्छा दिख रहा है विद द चिली सॉस स्पेशली, एकदम टूट पड़ने का मन कर रहा है। तो चलिए हम लोग टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। तो हमारा जापानीज इंस्पायर्ड चिकन बॉम फ्राई राइस रेडी है। ये एक्चुअली जापान में ऐसे सर्व करने का तरीका है, ये देखिए, सो दैट पीसेस इस साइड से ना गिरे। इसको सर्व कैसे करते हैं मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो इसको यहाँ पे खाली कर दे। ओह माय गॉड, द स्मेल इज अमेजिंग। अब झालो ये तो खतरनाक। सो ये पीसेस को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। Now I am left with जो मेरा फ्राइड राइस है और वन पीस चिकन, तो इसको मैं अब खाऊंगी और ये सब शेयर करके खा सकते हैं। इसलिए इसको इस टाइप से थोड़ा डिजाइन किया गया है, इस टाइप से इसको सजाते हैं, सो दैट पूरा फैमिली इसको, तो एक आदमी तो नहीं खा सकेगा। अगर आप खा सकेगा तो कॉमेंट करिए, बट आई डोंट थिंक, लुक एट द पीसेस गाइस, बहुत बड़े पीसेस है। लेट्स ट्राई। So juicy. So good. Sunday funday में chicken, सच में spicy बहुत है। फ्राई राइस और चिकन मिलके मुंह में ब्लास्ट हो रहा है। तो ये जो इफेक्ट है वो आपको KFC चिकन से नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ में जो मैरिनेशन में जो लहसुन डाला है उसका बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। स्पाइसी है पसीना। आज का रेसिपी आपको कैसा लगा? एंड कीप कमेंटिंग बिकॉज आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। एंड बहुत दिनों के बाद लास्ट टाइम वीडियो डाला था, तो हे पू आप कहाँ था इतने दिन से, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत टचिंग था। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच इतना केयरिंग होने के लिए, वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, और इसी तरह प्यार देते रहिएगा और मैं अलग अलग रेसिपीज आपके लिए लाती रहूंगी। मुझे और मोटिवेट करने के लिए गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन करिए, सो दैट जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको जल्दी से पता चल जाएगा। ओके, जाने से पहले आज मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरा साल बहुत बुरा जा रहा है, यू नेवर नो आगे क्या होने वाला है। सो क्या पता ये भी हो सकता है कि आने वाला जो समय है, इस साल का जो एंडिंग समय है, वो आपके लिए बेस्ट समय हो, यू नेवर नो। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बस एक पॉजिटिव सोच रख सकते हैं और बस बिलीव कर सकते हैं कि हाँ ये साल आगे हमारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। सो ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम दिल को छू गया। सो आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। एंड चलिए गाइस, मिलते हैं फिर से, बाय।